इस समय भारत में आरक्षण के ऊपर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे लगता है आरक्षण एक संजीवनी बूटी है और ये जिसको जिसको मिल जाएगा वो अमर हो जाएगा, जिसको जिसको आरक्षण मिलेगा उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे भैया, संविधान सभा में जब चर्चा हुई थी आरक्षण पे, तो बाबा साहब ने खुद ही कहा था आरक्षण 10 साल के लिए होना चाहिए। चलो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70 बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये आरक्षण संजीवनी बूटी होती तो जिसको जिसको मिल रहा है उसका कल्याण हो गया होता, उद्धार हो गया होता, उस कम्युनिटी में कोई समस्या नहीं होती, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण खत्म हो गया होता। और वैसे भी टोटल सरकारी नौकरी साल में निकलती कितनी है, कभी आपने सोचा क्या? पूरे देश में हर साल मुश्किल से 1 लाख सरकारी नौकरी निकलती, 1 लाख। अब 1 लाख में 50% यानी 50,000 हो गए रिजर्व्ड और 50,000 हो गए अनरिजर्व। 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर 50,000 नौकरी रिजर्व कैटेगरी में निकल आई तो उसमें इतना हाहाकार मचाने की क्या जरूरत? मेरा यह मानना है कि अगर दलितों का कल्याण करना है, पिछड़ों का कल्याण करना है, आदिवासियों का कल्याण करना है या मुस्लिम्स का कल्याण करना है, क्योंकि आजकल मुस्लिम आरक्षण पर खूब चर्चा हो रही है, तो रिजर्वेशन उसका उपाय नहीं है, रिजर्वेशन उसकी दवाई नहीं है। गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों या जिसका भी कल्याण करना है, उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, वो है समान शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो किताब पढ़ेगा, मर्सिडीज चलाने वाले का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा। समान शिक्षा का मतलब मजदूर का बेटा जो किताब पढ़ेगा, मालिक का बेटा वही किताब पढ़ेगा। समान शिक्षा का मतलब तमिलनाडु का बच्चा जो किताब पढ़ेगा, वही कश्मीर का बच्चा वही किताब पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा, बंगाल का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। अल्टीमेटली जो रिजर्वेशन हो रहा है, ये रिजर्वेशन किसी एग्जाम के जरिए मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि सबको बैठे बैठे घर में सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी मिलती है कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए। अच्छा, जितने भी कोर्स हैं, एग्जाम होते हैं, वो सारे सबके लिए एक होते हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए JEE होता है, उसका पेपर अलग अलग नहीं आता। ऐसा नहीं आता कि अगड़ों के लिए अलग पेपर, पिछड़ों के लिए अलग पेपर, उत्तर भारत वालों के लिए अलग पेपर, दक्षिण भारत वालों के लिए अलग पेपर, जनरल वालों के लिए अलग पेपर और रिजर्वेशन वालों के लिए अलग पेपर, ऐसा तो है नहीं। पेपर कॉमन है। जब पेपर कॉमन है इंजीनियरिंग का, पेपर एक ही होता है मेडिकल का, पेपर एक ही होता है NDA का, पेपर एक ही होता है क्लैट का, लॉ में एडमिशन का, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए CUET होता है, उसका भी पेपर एक होता है, तो ये सिलेबस अलग अलग क्यों चल रहा है? ये CBSE में अलग सिलेबस क्यों, ICSE बोर्ड का सिलेबस अलग क्यों, UP बोर्ड का सिलेबस अलग क्यों, बिहार बोर्ड का अलग सिलेबस क्यों? पूरे देश का एक सिलेबस करने में क्या दिक्कत है? लेकिन सुबह से लेकर शाम तक रिजर्वेशन पे तू-तू मैं-मैं करने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते। वास्तव में इस देश में अगर सबका कल्याण करना है, अगड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, मुस्लिम्स का, क्रिश्चियन, ईसाई का, सबका कल्याण करना है, किसान का, मजदूर का, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है भारत में समान शिक्षा लागू हो जाए। जैसे भारत में वन नेशन वन रेलवे बोर्ड है, एक रेलवे बोर्ड है, पूरे देश की रेलवे वही चलाता है, ऐसे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, और जैसे डिविजनल रेलवे के ऑफिस होते हैं, ऐसे प्रत्येक राज्य में एजुकेशन का उसका बोर्ड हो जाएगा, मुख्यालय उसका दिल्ली में होगा, प्रत्येक राज्य में उसकी सब ऑफिस हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे, और पूरे देश में सिलेबस सबका कॉमन कर दिया जाए, करिकुलम सबका कॉमन कर दिया जाए, और बड़े आराम से हो सकता है। भाई, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम मैथ का सिलेबस तो एक हो सकता है, असम से लेके गुजरात और कश्मीर से लेके लद्दाख फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, पूरे देश का केमिस्ट्री का सिलेबस एक हो सकता है, पूरे देश का जूलॉजी का सिलेबस एक हो सकता है, पूरे देश का बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है, पूरे देश का इंग्लिश का एक पेपर हो सकता है, पूरे देश का संस्कृत का एक पेपर हो सकता है, पूरे देश का हिंदी का एक पेपर हो सकता है, तो मेन जितने भी सब्जेक्ट है सबका पेपर तो कॉमन हो सकता है। फिर अलग अलग क्यों चल रहा है? CBSE अलग, UPSC अलग, ये अलग, वो अलग। आज की डेट में बिना कोचिंग किए कोई बच्चा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। बिना कोचिंग किए ना कोई IAS कर पा रहा है, ना IPS कर पा रहा है, ना इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पा रहा है, ना मेडिकल में एडमिशन ले पा रहा है, ना बैंक में जा पा रहा है,
बिना कोचिंग किए कोई जो है क्लैट में क्रैक नहीं कर पा रहा, बिना कोचिंग किए कुछ कर ही नहीं पा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में कोचिंग का बहुत बड़ा जाल नेटवर्क फैल चुका है। 5 लाख करोड़ का धंधा कोचिंग का चल रहा है भारत में। कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, शिक्षा मंत्रालय को इतना हाईजैक कर लिया है कि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता कम्पिटिटिव एग्जाम में, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे ही ये जो CBSE बोर्ड चलाने वाले, ICSE बोर्ड चलाने वाले, इन्होंने सिस्टम को इतना हाईजैक कर लिया है, ये वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं होने दे रहे। स्कूल वाले भी नहीं चाहते वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, क्योंकि सबकी अपनी 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 अलग अलग दुकान चल रही। किताब माफिया जो किताब हर साल पब्लिश करते हैं, वो नहीं चाहते कि NCERT किताब एक हो जाए, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन बुक होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा, तो लोग हर साल किताब बदलेंगे नहीं, हर साल किताब बदलेंगे नहीं तो किताब वो छाप के बेच नहीं पाएंगे। अभी वर्तमान समय में सबकी बढ़िया चांदी चल रही है, किताब माफिया हर साल नई किताब छाप रहे, किताब बेच बेच के कमा रहे, कोचिंग माफिया बढ़िया कोचिंग करा करा के कमा रहे, स्कूल माफिया 10,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने की फीस लेके कमा रहे। अल्टीमेटली आप 10,000 रुपये फीस दो या 15,000 रुपये फीस दो या 5,000 रुपये फीस दो, अंत में आपको कोचिंग कराना ही पड़ेगा। कितने हाई फाई स्कूल में पढ़ा लो, बिना कोचिंग किए बच्चा IIT क्रैक नहीं कर पाएगा, बिना कोचिंग किए उसका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिना कोचिंग किए NDA में नहीं जा पाएगा, तो फायदा क्या हुआ इस स्कूल का? ये पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। शिक्षा माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने, किताब माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और ये पॉलिटिशियन इसलिए बोलते नहीं है क्योंकि ये जो कोचिंग माफिया है, एजुकेशन माफिया है, स्कूल माफिया है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को मोटी फंडिंग करते हैं, ये सांसदों को भी फंडिंग करते हैं, विधायकों को फंडिंग करते हैं, उनको चुनाव लड़ाने में उनकी मदद करते हैं। इसलिए आप ध्यान, कभी आपने नोटिस किया होगा कोई भी सांसद या विधायक कभी समान शिक्षा की बात नहीं करता, बाकी तो और छोड़ दो, समाजवादी कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते, जबकि लोहिया जी का प्रमुख मुद्दा यही था। समाजवाद का मतलब होता है कि समान शिक्षा हो, समान चिकित्सा हो, समान नागरिक संहिता हो, लेकिन कभी समाजवादी भी समान शिक्षा की बात नहीं करते। इस पाखंड को आप समझिए। और आरक्षण संजीवनी बूटी नहीं है, आरक्षण से अगर कल्याण होना होता तो अब तक जिनको मिल रहा था उनका कल्याण हो गया होता। अरे आरक्षण से नहीं, आरक्षण से कई गुना ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा। समान शिक्षा होगी तो आपस में जातिवाद का जहर जो फैला हुआ वो भी रुकेगा। भाई गरीब अमीर के बच्चे जब एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे उनके बीच का गैप कम होगा। समान शिक्षा से भाषावाद भी खत्म होगा। जब तमिलनाडु के बच्चे की वही किताब होगी, गुजरात के बच्चे की वही किताब होगी, हाँ अपनी अपनी भाषा में होगी, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, लेकिन जब सिलेबस और करिकुलम एक समान होगा तो भाषावाद भी खत्म होगा। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस, वन करिकुलम होगा, तो पंथवाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा। समान शिक्षा होगी, सबको समान अवसर मिलेगा। समान अवसर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये समान अवसर आरक्षण से नहीं मिलेगा, समान अवसर मिलेगा समान शिक्षा से। लेकिन जो जानते हैं कि समान शिक्षा से समान अवसर मिलेगा वो भी नहीं बोलते। बड़े दुख की बात ये है, चलो आम आदमी समझ में नहीं आ रहा उसको कि समान शिक्षा हो सकती नहीं हो सकती। अरे भैया अगर चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है वहाँ समान शिक्षा हो सकती है, अमेरिका जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है वहाँ समान शिक्षा हो सकती है, रूस जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है वहां समान शिक्षा हो सकती है, ब्राजील जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है वहां समान शिक्षा हो सकती है, कनाडा जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है वहां समान शिक्षा हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात ही नहीं होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुस्लिम को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा नहीं होगा, उसकी चर्चा होती है, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जिससे कि अगड़ों को फायदा, पिछड़ों को फायदा, दलित को फायदा, आदिवासी को फायदा, मुस्लिम को फायदा, हिंदू को फायदा, पारसी को फायदा, ईसाई को फायदा, सबको फायदा होगा, जाति भाषा क्षेत्र का बंधन जो गैप है वो कम होगा, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन फायदा नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की मांग करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।